नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं जो अभी 10 जुलाई 2023 को हुंडई की एक नई गाड़ी लॉन्च होगी जिसका नाम है एक्स्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्स्टर से रिलेटेड सभी डिटेल्स देने वाला हूं कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स आएंगे, गाड़ी सीएनजी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, ऑटोमेटिक में आएगी या नहीं आएगी, अगर ऑटोमेटिक में आएगी तो कौन सा गेयरबॉक्स होगा, मैनुअल में क्या ट्रांसमिशन होगा, गाड़ी के अंदर कितनी पावर फिगर्स रहेंगी, क्या सेफ्टी फीचर्स रहेंगे, ठीक है, और कितने वेरिएंट के अंदर ये गाड़ी आएगी, वो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या उनका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिलेटिव है या फिर छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी उनके आसपास के लोग हैं जिनको वो जानते हैं, उन्होंने नई गाड़ी खरीदने का प्लान करा है, तो आप ये वीडियो का लिंक उनको शेयर करें, क्योंकि जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो काफी हद तक उनको क्लैरिटी आएगी कि उनको वेट करना चाहिए अभी एक आध महीने का या 15-20 दिन का, या फिर उनको नई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए जिसके ऊपर भी वो जा रहे हैं। देखो, ये हुंडई की लॉन्च हो रही है एक्स्टर, एक माइक्रो एसयूवी, यानी कि माइक्रो एसयूवी से मेरा मतलब है जितनी बड़ी टाटा की गाड़ी आती है पंच, तो ये पंच के सेगमेंट की और पंच के कंपटीशन की गाड़ी लॉन्च होगी हुंडई की तरफ से, और पंच पहले से पेट्रोल में आती है और थोड़े दिनों बाद वो सीएनजी के अंदर भी आ जाएगी, लेकिन हुंडई जो है वो यहाँ पे अपनी एक्स्टर को पेट्रोल और सीएनजी दोनों में एक साथ लॉन्च करेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म न्यूज है कि एक्स्टर सीएनजी में आएगी। अगर किसी को यकीन नहीं है मेरी बात का तो वो 10 जुलाई को अपने आप देख लेना, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे एक्स्टर के ना फीचर बता देता हूँ, कौन कौन से फीचर आप इसके अंदर एक्सपेक्ट तो छोड़िए, आएंगे ही आएंगे। इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलेगी, पहला फीचर जो काफी लोगों को, जिनको सनरूफ का शौक है तो वो यहाँ पे उनका पूरा हो जाएगा। दूसरा, बेस वेरिएंट से आपको गाड़ी के अंदर जो है वो 6 एयरबैग मिलेंगे। सेफ्टी में भी गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बिल्ड क्वालिटी कमजोर है, सेफ नहीं है गाड़ी, जब आपको बेस वेरिएंट से अब 6 एयरबैग मिलेंगे तो आप वो भी टेंशन छोड़ दो। फिर आपको गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साथ ही साथ ABS, EBD ये सभी ऑप्शन मिलेंगे। ये आपको बेस वेरियंट से 6 एयरबैग तो मिलने ही मिलनी है। अब गाड़ी के अंदर जो है आपको इसमें जो डैश कैम है वो फर्स्ट इन सेगमेंट है, इनबिल्ड आपको यहाँ पे डैश कैम भी मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए फीचर्स। अब बताता हूँ आपको, इंजन जो है गाड़ी के अंदर आपको वो वही मिलेगा जो ग्रैंड i10, नियोस, i20, ओरा, इन सब के अंदर आपको मिलता है वेन्यू के अंदर, 1.2 लीटर का, ठीक है। 83 bhp की पावर निकालता है और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। 4 सिलेंडर इंजन है, बहुत स्मूथ इंजन है, बहुत ही बेहतरीन उसकी पहले से ही गियर शिफ्टिंग, क्लच वगैरह, स्टेयरिंग का रेस्पॉन्स सब कुछ अच्छा है। और देखो, उम्मीद ये करी जा रही है कि इस गाड़ी का जो बेस वेरियंट आएगा, जो ई वेरियंट है, वो आपका 5,85,000 रुपए से लेकर 5,99,000 रुपए के बीच में लॉन्च होगा, ठीक है, बेस वेरिएंट की मैं कीमत बता रहा हूँ। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट जाएगा SX ऑप्शनल मैनुअल में, वो 9,99,000 तक मैक्स जाएगा। मतलब मेरे को तो खैर ये उम्मीद है कि सीएनजी के अंदर जो वेरिएंट आएगा ना, इसका टॉप एंड वेरिएंट, वही आपको ऑन रोड प्राइस में कहीं ना कहीं 9.5 लाख रुपए तक आ जाएगा। बाकी जब एग्जैक्ट प्राइस आएंगे ना, वो मैं उस दिन वीडियो अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा कि कौन से वेरिएंट के कितने प्राइस हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गेयरबॉक्स के बारे में। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। दूसरा, 5 स्पीड ही आपको मिलेगा AMT ट्रांसमिशन, जो पहले से इनकी दूसरी गाड़ियों में आता है, जैसे कि ओरा या फिर आपकी नियोस या वेन्यू, ठीक है। वेरिएंट भी एक बार आपको बता देता हूँ, ई वेरिएंट आएगा इसके अंदर, आपको EX वेरिएंट मिलेगा, SSX और SX ऑप्शनल, जैसे बिल्कुल क्रेटा की एक वेरिएंट की ट्रिम चलती है ना, EX, SSX, SX ऑप्शनल, बिल्कुल वही जो ट्रिम है वो इस गाड़ी के अंदर आएंगे, ठीक है। एक्स्टर में जो एक्सटीरियर के फीचर मिलेंगे ना, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी गाड़ी के अंदर। जो आपके लोअर ट्रिम्स रहेंगे उनके अंदर तो आपको हेलोजन लाइट्स का सेटअप मिलेगा, जो टॉप एंड वेरिएंट रहेंगे उनमें आपको LED सेटअप मिलेगा, लेकिन जो अभी तक इनका एक पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें जो दिखाई दे रहा है फ्रंट के लोग, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर की साइड आपको LED DRS दे रखे हैं, नीचे की साइड हेडलाइट दे रखी है, LED आपको टेल लाइट मिलेगी। बाकी रियल में गाड़ी देखने में अच्छी लग रही है, जो सनरूफ है वो आपको मिलेगा, आपको गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स मिलेंगी और आप देख सकते हैं साइड में जो क्लैडिंग वगैरह है वो सब आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। तो जो आप वेन्यू का बेस वेरिएंट देखते हैं या आप नियोस का बेस वेरिएंट देखते हैं, तो उसी का जो मिक्सचर है वो आपको एक हुंडई की एक्स्टर में देखने को मिलेगा। बाकी मेरा सबको यही कहना है कि अगर आप अभी भी प्लान करने का सोच रहे हैं, चाहे इग्निस, स्विफ्ट, बलिनो, डिजायर या फिर पंच एस, और आपकी यहाँ पे टिगोर, टियागो या ग्रैंड i10, नियोस या ओरा या वेन्यू, इनमें से आप, ये मैंने 9-10 गाड़ियां आपको गिनवाई है, आप रुके, क्योंकि क्या होगा ना, किसने दोस्तों इसको बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको बता दूं कि हुंडई एक्स्टर के अंदर आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिलेगा, बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलेगा,
ये मामूली चीज नहीं है कि बेस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, वो भी किसी सीएनजी गाड़ी में, ठीक है। तो जो प्लान कर रहे हैं ना लेने का कोई सी भी गाड़ी, वो रुके, इंतजार करें 10-15 दिन और इस गाड़ी को भी जाके शोरूम पे देखें, चला के देखें और फिर अपना डिसीजन उस हिसाब से लें। बाकी 10 तारीख को जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो मैं इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू अपने चैनल पे डालूंगा, इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह, कलर ऑप्शन सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर लिखें, और अगर आपका कोई डाउट भी है ना वो भी आप लिखें कमेंट करके, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपको ये जानकारी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।